अभी हम हैं वैशाली में, उस जगह पर जहां पर रेलवे स्टेशन वैशाली का बना है। पिछली बार जब मैं यहां पे आया था तो वैशाली स्टेशन की बिल्डिंग देख करके मैं थोड़ा सा हताश हुआ था, लेकिन इस बार आया हूं तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखी है। और वो उम्मीद की किरण क्या है वो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। वैशाली स्टेशन के पास ये ग्रामीण सड़क है जो क्रॉस कर रहा है, और सामने आपको पिलर दिख रहा होगा। जमीन अधिग्रहण किया गया है हाजीपुर सगौली रेल लाइन का, लेकिन अभी इधर कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। इस तरफ थोड़ी दूर आगे स्टेशन भी बना हुआ है और पटरी भी बिछा हुआ है। हम उधर चल रहे हैं और करीब से आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे मिट्टी को बराबर करने का काम चल रहा है, कुछ काम तो यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। वैशाली रेलवे स्टेशन का, और यहाँ पर वैशाली रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है, जो मुख्य बिल्डिंग है, यहाँ पर पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको काला काला दीवार दिखेगा, लेकिन इस बार मैं जब आया हूँ अपडेट देने के लिए तो यहाँ पे पेंट हो रहा है, दीवारों पे पेंटिंग हो रही है। इधर इधर हो चुका है इसमें कुछ, और उधर भी पेंटिंग चल रही है। ये मेन एंट्रेंस होगा इस रेलवे स्टेशन का, एंट्रेंस और एग्जिट मेन यही होगा। पर्यटक स्थल है वैशाली, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है ये वैशाली, भगवान महावीर की जन्मभूमि है ये वैशाली। और यहाँ पर पिछली बार जब आया था तो जो स्थिति देखी थी उसमें और इसमें अंतर है। इस बार जो बनाया गया था और जो टूट गया था उसे फिर से बनाया जा रहा है, और यहाँ पे जो लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि फरवरी 2020 तक चालू हो जाएगा, इंजन एक दो दिन में यहाँ पर आ जाएगा। अभी इंजन हरौली तक आया हुआ है जैसा उन्होंने बताया है। ये जर्जर स्थिति हो गई थी, यहाँ तो पेंट भी नहीं हुआ है, जहाँ पे पेंट हुआ है वहाँ किसी देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कांच इधर तो ठीक है, एक दो टूटे हैं, लेकिन इधर तो पूरा कांच ही टूट गया है। काम चल रहा है, जेंसेट यहाँ पर ला करके देख रहे रखा हुआ है, इधर काम चल रहा है, उधर पटरी में काम चल रहा है, पटरी में पूरा घास बिछ गया था तो उस पर भी काम चल रहा है। यहाँ पे जो एल्वेस्टर हैं, चादरें, स्टील की जो चादरें हैं वो
कंप्लीट किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे काम करने वाले पटरियों को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता ही बना हुआ है उस पार जाने का। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं उस पार से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अभी काम एलिवेटर का नहीं हुआ है। ये होगा स्टेशन, लेकिन खुशी की बात है कि काम यहाँ पे, पिछले बार तो एक आदमी भी नहीं दिखा था, लेकिन इस बार काम हो रहा है। इधर पटरी बिछना बाकी है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं बिछा है। अब देखते हैं, जो बात मुझे पता चली है कि फरवरी तक चालू हो सकता है, वो होता है या नहीं होता है वो तो फरवरी आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हो गया है, काफ़ी देर हो गया है इस प्रोजेक्ट में, और इसका चालू होना निहायत ही ज़रूरी है। कम से कम वैशाली तक चालू हो जाए तो उसके आगे भी चालू हो जाएगा, ऐसी संभावना हो सकती है। तो यही अपडेट है वैशाली का। इसके बाद हम लालगंज जाएंगे और लालगंज की भी स्थिति दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है। तो अपडेट यही है वैशाली रेलवे स्टेशन का, हाजीपुर सगौली रेल लाइन का जो पार्ट है उसका अपडेट यही है कि वैशाली में फिर से काम, जो फिनिशिंग वर्क है वो शुरू हो चुका है, और दावा कर रहे हैं कि इनकी कोशिश है कि फरवरी तक ये हाजीपुर से वैशाली तक चालू हो जाए रेल मार्ग। अब होता है कि नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब हम बढ़ रहे हैं लालगंज के तरफ। इंतज़ार कीजिए लालगंज के वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। लेकिन इंडियन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।